राजस्थान में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में महिलाओं की छाती मापने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये मनमाना और अपमानजनक है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये महिला की गरिमा का अपमान करने जैसा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी पाने के लिए महिलाओं की छाती मापने का मामला तब सामने आया जब भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुई महिलाओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि जितनी भी महिलाओं के टेस्ट होते हैं, महिलाओं के चेस्ट मेजरमेंट की बात आती है, तो जो नियम और कायदे हैं उन्हें रीलुक करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए अशोभनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल व्यास, अधिवक्ता अमित गौड़ से संवाददाता गिरीश दादीच ने की खास बातचीत। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर की एक बेंच ने जो महिलाएं जो फिजिकल एग्जाम देने जाती है, जो लगातार कॉम्पिटिशनों से घिरी हुई रहती है, उनके ब्रेस्ट कहें या फिर चेस्ट कहें, उनके मामले को लेकर तीन महिलाएं न्यायालय के दरवाजे पर गई थी। और आज उस मामले में हाईकोर्ट ने, जो न्यायाधिपति हैं दिनेश मेहता ने, एक बड़ा आदेश देते हुए आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो महिलाएं हैं जो कंपटीशन फाइट करेगी, उनको लेकर बड़ी राहत दी है। बात करेंगे इस पूरे मामले को जिसने कोर्ट में लेकर गए और जिसने लड़ा, व्यास एसोसिएट के जो सीनियर एडवोकेट है अनिल व्यास जी। सर, ये पूरा क्या मामला था? पूरा मामला ये है कि तीन महिलाएं हैं जिन्होंने वन जो सुरक्षा जो भर्ती हुई थी उसके तहत तो एग्जामिनेशन दिया था, एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन उनके ब्रेस्ट के मेजरमेंट को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हो गया था। उस डिस्प्यूट को लेकर के तीनों महिलाएं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आई थी। उन्होंने ये कहा था जो जस्ट मेजरमेंट हुआ है वो थोड़ा गलत ढंग से किया गया है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने मैटर को पूरा सुना। इस दौरान यह भी तर्क दिया गया कि इस तरह की जो चेस्ट मेजरमेंट है वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में होते ही नहीं है। तब माननीय न्यायालय के संज्ञान में आया कि ये तो महिलाओं के जो गरिमा है उसके खिलाफ है और अपमानजनक है, क्योंकि किसी भी महिला की शारीरिक क्षमता को उसके ब्रेस्ट के मेजरमेंट के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान और डिपार्टमेंट पर्सनल के चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो रिलेवेंट जो भी रूल्स हैं, नियम है, उनके अंदर कुछ ऐसे अल्टरनेट मींस ढूंढे जाएं जिससे महिलाओं की जो शारीरिक क्षमता है वो चेस्ट के आधार या ब्रेस्ट के आधार पर तय ना होकर के दूसरी क्षमताओं के आधार पर तय किए जावे, और इस तरह की जो ब्रेस्ट की जो जो नाप तो लिया जा रहा है वो बंद करना चाहिए, क्योंकि ये अशोभनीय है, महिलाओं के गरिमाओं के खिलाफ है और अपमानजनक है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि सभी नियमों के अंदर बदलाव किए जाएं। व्यास एसोसिएट के साथ एक और अधिवक्ता हैं जो इस पूरे मामले में न्यायालय में मौजूद थे और दलीलों पे भी थे। क्या दलीलें थी, क्या रही दलीलें? सर, ये रही थी कि ये जो भर्ती का मामला था, इन्होंने जो पहले रिटर्न टेस्ट क्लियर कर लिया था, फिर फिजिकल टेस्ट भी इन्होंने सारे क्लियर कर लिए थे, लेकिन जो चेस्ट मेजरमेंट का जो एक था उसके आधार पे हमने यहाँ रिट लगाई थी। रिट लगाने के बाद न्यायालय ने संज्ञान लिया कि ये जो इस तरह की जो मेजरमेंट हो रहे हैं, चेस्ट मेजरमेंट, जिसका कोई आधार नहीं हो सकता, क्योंकि हर विमेंस के चेस्ट का मेजरमेंट शायद मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान में लेते हुए, सारी चीजों को लेते हुए न्यायालय ने ये निर्णय दिया। निश्चित तौर पर जो न्यायाधिपति है दिनेश मेहता, उन्होंने महिलाओं के सम्मान को देखते हुए ये आदेश पारित किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो एडवोकेट अनिल व्यास और जो अमित गौड़ हैं, ये पूरे मामले को लेकर न्यायाधिपति दिनेश मेहता की बेंच पर लेके मेजरमेंट की बात कहें तो उनमें उनको काफी फायदा मिलेगा, काफी उनको रिलीफ मिलेगी। कैमरा पर्सन मनोज गिरी के साथ गिरीश दादी, सच वेदरत, जोधपुर।